हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम नैनी। तो आज है हमारा डे 2। डे 1 में हमने काफ़ी सिंपल सा स्किन केयर किया था, तो आज हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो चलो देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम हमारी स्किन को 2 बार हील करेंगे, और आज जो हम उबटन फेस मास्क बनाएंगे वो हम पूरे 4 डे यूज़ करेंगे। उसे हमें पूरे 4 दिन तक यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम अपने फेस को पूरा अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे, मतलब फेस वॉश कर लेंगे DIY फेस वॉश से, जो मेरा वाला है उसी से करना है। और उसके बाद आपको फेशियल ऑयल ले लेना है। फेशियल ऑयल को लेकर आपको पूरे फेस पे अच्छी तरीके से उससे मालिश करनी है। जैसे हम फेशियल के टाइम करते हैं, वैसे ही पूरे फेस पे अच्छी तरीके से हमको मालिश करना है। और मालिश करने के बाद कॉटन पैड की हेल्प लेकर हम अपने फेस पे जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसे अच्छी तरीके से रिमूव कर लेंगे। मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है, एकदम हल्के हल्के हाथों से हमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकालना है। तो अब हम हमारे फेस को ऐसे ही छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। आप उस पर कुछ उसको वॉश भी मत करना और कुछ लगाना भी मत, आप उसको ऐसे ही 1 घंटे के लिए छोड़ देना। तो फिर अब हम ये हमने छोड़ के रखा है, तब तक हम उबटन फेस मास्क बना लेते हैं। तो चलो देखते हैं मैंने इसमें क्या क्या लिया है। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे 1 चम्मच ही लेनी है। तो आपको क्या क्या लेना है? बेसन, नीम पाउडर, सैंडलवुड पाउडर, बीट रूट पाउडर, मसूर दाल का पाउडर और हल्दी, कस्तूरी हल्दी और जायफल। जायफल का पाउडर मार्केट वाला मत लेना, एक छोटा सा जायफल आता है वो लेके उसको कीस देना तो उसका पाउडर निकल जाएगा, वो आपको आधा चम्मच लेना है। सिर्फ वही एक चीज़ है जो आपको आधा चम्मच लेना है, बाकी सारी चीज़ें 1-1 चम्मच लेना है। अब इसको लेके आप अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसको स्टोर करके रख दीजिए। ये 4 दिन तो क्या उससे ज़्यादा ही चल जाएगा आराम से। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इसको आप साइड में रख दीजिए। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? तो आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें पानी मिलाना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। तो जब 1 घंटा हो जाए उसके बाद आप अपने फेस पे इसको पानी से मिक्स कर लें, पेस्ट बना लें और अप्लाई कर लें। और आप आधा चम्मच लेना, उसमें आपके पूरे फेस पे लग जाएगा आराम से। तो आपको इसको रखना कितनी देर है? आपको ना इसे सूखने तक रखना है। ये हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए ना, बोलना मत, वरना ना ऐसे सब आपको फील होगा कि खींच रहा है। तो आप चुपचाप रहना थोड़ी देर, और जब वो थोड़ा सा सूख जाए तो उसको नॉर्मल धो लेना आप, मतलब वॉश कर लेना। और स्क्रब नहीं करना है हमें, एकदम जेंटली निकालना है उसको। हमको सिर्फ फेस को वॉश करना है, हमें स्क्रब नहीं करना है, ठीक है? बस और कुछ नहीं करना है। और आपको ये डेली लगाना है, आप कभी भी लगा सकते हैं, सुबह, दिन में, शाम को, कभी भी, आपकी जब इच्छा होता है अभी। अब अगर आपके पास फेशियल ऑयल नहीं है तो आपको क्या करना है? तो फेशियल ऑयल की जगह आप आलमंड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, पर आप उसे थोड़ा सा ही लेना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं ऑयल। और जो हमारा फेस पैक है उबटन, वो आपको ना आज तो ड्राई नहीं लगेगा, क्योंकि आज हमने अप्लाई किया हुआ है ऑयल, तो उससे नहीं लगेगा। पर अगर आपको कल लगता है तो आप उसमें ना थोड़ा सा हनी ऐड कर लेना, तो वो ना नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है? तो आज इस फेस पैक को आपको 2 बार यूज़ करना है। मतलब आप फेशियल से ऑयल से मसाज कर लेना और अप्लाई कर लेना, और फिर शाम को कर लेना, मतलब बीच में 2-3 घंटे का गेप होना चाहिए। आप फिर से इसे अप्लाई कर लेना, और कल से आपको इसे सिर्फ 1 बार ही अप्लाई करना है। इस उबटन फेस मास्क से आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छा ग्लो आएगा। आप ट्राई करके देखना, 2 बार लगाओगे ना उससे आपको दिखने लगेगा कि हाँ ग्लो आ रहा है, काफ़ी अच्छा है ये। और हाँ, जो हमने इसमें जायफल डाला है उससे हो सकता है कि आपको ना हल्की हल्की सी ईचिंग सी हो, आप जब अप्लाई करें हल्की, एकदम हल्की ईचिंग हो या हल्की सी जलन जैसा हो, मतलब वो थोड़ी देर होगा, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। तो आप पैनिक मत होना, वो जायफल में ऐसा कुछ होता है जिससे वो ऐसे हल्का सा होता है उससे, मतलब मुझे भी हुआ था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप कुछ मतलब डरना मत, आपको कुछ नहीं होगा उससे, वो स्किन के लिए अच्छा होता है। और मैं तो कब से ट्राई कर रही हूँ तो मुझे भी कुछ नहीं हुआ साइड इफ़ेक्ट, तो आपको भी कुछ नहीं होगा। बस वो हल्का सा जलेगा, बहुत हल्का जले। अगर बहुत ज़्यादा जल रहा है कि आपसे सहन ही नहीं हो रहा है, तो फिर आप फटाफट से अपने फेस को वॉश कर लेना और एलोवेरा जेल लगा लेना, वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक। और आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं वो प्लीज़ कॉमेंट में आके ज़रूर बताएँ।